अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने अपना टॉपिक कंटिन्यू करना है हाइड्राइड्स का। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था हाइड्राइड्स। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? आयोनिक हाइड्राइड्स और कवर हाइड्राइड्स के बारे में। तो हम रिमेनिंग टाइप्स आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो कौन सी है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, ठीक है। टाइप नंबर वन हमने स्टडी की थी आयोनिक हाइड्राइड, उसके बाद कवर हाइड्राइड, अब थर्ड आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में आपको कॉम्प्लेक्स का लफ्जी मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऐसी चीज़, मतलब कॉम्प्लेक्स का जो लफ्जी मतलब है वो होता है पेचीदा, ठीक है, मुश्किल, यानी ऐसी चीज़ जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है। तो वो जब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी एक उलझा हुआ, बहुत सारे नेटवर्क जब कनेक्टेड हो जाए तो क्या होता है कि एक प्रॉपर उलझा हुआ स्ट्रक्चर बनता है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा स्ट्रक्चर, टफ स्ट्रक्चर, मुश्किल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या होते हैं? यानी ऐसे हाइड्राइड्स जिनमें हाइड्रोजन क्या करता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के वो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अब अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड किस तरह से बनते हैं? जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस तमाम हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा था, तो हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स किस तरह से होते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, अगर हम स्टार्ट से रिवाइज करें तो आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? जिनमें उनमें क्या होती है? आयोनिक बॉन्डिंग होती थी, इसीलिए उनको आयोनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसीलिए उनको कोवेलेंट हाइड्राइड्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के अंदर किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं होती, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में तीनों टाइप्स की बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। आयोनिक भी होती है, कोवेलेंट भी होती है और कोऑर्डिनेट भी होती है, इसीलिए उनको कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें कौन सी वाली बॉन्डिंग होती है? तीन तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है, आयोनिक भी, कोवेलेंट भी और कोऑर्डिनेट भी, ठीक है। वो किस तरह से होती है तो हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनते किस तरह से। जिस तरह से हमें ये बात पता है कि आयोनिक हाइड्राइड्स किस तरह से बनते हैं, ग्रुप एस ग्रुप एलिमेंट से बनते हैं, यानी वन ए और सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट से, एक्सेप्ट मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के। फिर कोवेलेंट हाइड्राइड्स किससे बनते हैं? तमाम जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनसे बनते हैं, एक्सेप्ट ग्रुप एट ए के। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड किससे बनते हैं? तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड किस तरह से बनते हैं? जब भी हम ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स का हम रिएक्शन करवाते हैं, ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स का यानी कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के साथ। अब आपको समझ में आना चाहिए कि अल्कली मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं, कौन से? ग्रुप वन ए के, ठीक है, यानी ग्रुप थर्ड ए के, एक्सेप्ट बोरॉन, बोरॉन के अलावा। अब हमें ये बात पता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कोवेलेंट हाइड्राइड्स से पढ़ी थी कि जो हमारे पास थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि सिर्फ बोरॉन स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, बाकी सारे के सारे अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाने वाले कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब जब हम ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाते हैं अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के साथ, यानी वन ए ग्रुप के आयोनिक हाइड्राइड्स के साथ, तो हमारे पास क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाते हैं जो कि अनस्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं एक्सेप्ट बोरॉन, क्योंकि बोरॉन स्टेबल हाइड्राइड्स बनाता है कोवेलेंट, जब हम अल्कली में जब हम ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाएंगे एक्सेप्ट बोरॉन किनके साथ? अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के साथ, यानी वन ए ग्रुप के आयोनिक हाइड्राइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है। अब हम इनकी केमिकली इक्वेशन देख लेते हैं किस तरह से। तो देखिए, ग्रुप थर्ड ए से अगर हम कोई हाइड्राइड लेते हैं तो हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम ग्रुप थर्ड ऐसा जो हाइड्राइड ले रहे हैं वो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, LH3। अगर और हम आयोनिक हाइड्राइड ले रहे हैं सोडियम हाइड्राइड NaH, ठीक है। अब इनका रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखो, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स में क्या होता है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन -1 +1 दोनों चार्ज के साथ मौजूद होता है। इसी तरह से अगर हम लोग आयोनिक हाइड्राइड्स की बात करें तो हमें पता है कि आयोनिक हाइड्राइड्स में +1 और -1 के चार्ज के साथ आयोनिक हाइड्राइड में टू हाइड्राइड्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो -1 से क्या मतलब है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ये समझने के लिए कि हमें तो ये बात पता है कि आयोनिक हाइड्राइड्स में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच, दो एलिमेंट्स के बीच। तो अब हमने स्टार्ट में ये बात कही कि इन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में तीनों तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है, तो थर्ड बॉन्डिंग किस तरह से होती है? तो देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें NaH3, इसका मतलब इसके पास तीन हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम वैलेंस शेल की बात करें तो एक हाइड्रोजन, एक तीनों
दोनों एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास टोटल एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो यानी हमें हमारे पास जो लास्ट वैलेंस शेल होता है अकॉर्डिंग टू एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम, इसके बाद 6 होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो होता क्या है कि हमारे पास जो आयनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन होता है वो क्या काम करता है, उसके पास प्रॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना लॉन पेयर वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा। और हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा है, और हमने क्लास 9 में भी ये चीज़ सीखी थी केमिकल बॉन्डिंग में कि जो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो होगा क्या कि जो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, जो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो शेयर करेगा किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, उसके वैलेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, थर्ड बॉन्डिंग बन जाएगी जो क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनते हैं वो कैसे बन जाएंगे, वो बन जाएंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनेगा वो किस तरह से बनेगा, NaAlH4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 4 हो गए, और NaAlH4, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड वो वाहिद हाइड्राइड्स होते हैं जिनके अंदर तीनों बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं, आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से, अब अगर हम इनकी वैलेंसी को देखते हैं तो देखो हमें बात अच्छी तरह से पता है कि Na क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी होती है, उनके पास क्या चार्ज होगा, N1+1 का होगा, ये 1A ग्रुप के एलिमेंट है, तो इसलिए इनके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्यूमिनियम क्या है, ग्रुप 3A का एलिमेंट है, इनके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, 3 प्लस की वैलेंसी होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होती है, -1, सही है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हाइड्राइड्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या होता है, 3A ग्रुप के एलिमेंट्स एक्सेप्ट बोरॉन रिएक्शन करते हैं के साथ ग्रुप 1A एलिमेंट्स के साथ, यानी अल्कली मेटल हाइड्राइड के साथ, यानी आयोनिक हाइड्राइड्स के साथ, तो क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। और उनमें तीनों बॉन्डिंग पाई जाती हैं, आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम मजीद बात करते हैं तो मजीद हम केमिकल फार्मूला की बात करते हैं, तो केमिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करें, ये केमिकल फार्मूला कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का केमिकल फार्मूला होता है AbH4, ठीक है। ए हमारे पास क्या हो गए, ए हमारे पास यूनिवेलेंट आयन हो गया, बी हमारे पास क्या हो गया, ट्राईवेलेंट आयन हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, एन आयन हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया कि एन ए क्या है, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके ऊपर +1 का चार्ज होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, एल्यूमिनियम 3A ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को इनकी वैलेंसी क्या होती है, +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इसलिए उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, +3 का। ये ग्रुप 3 एलिमेंट, ग्रुप 3 एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, +3 इस। और तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फार्मूले के अंदर है, ए क्या है वो आपके पास यूनिवेलेंट है, यानी अल्कली मेटल है, बी क्या है आपके पास ट्राईवेलेंट है, यानी कि जिन पर +3 चार्ज होता है, और हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, -1 वाला हाइड्राइड है, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का, वो होता है AbH4, ओके। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होते हैं उनके बॉन्ड में क्या होता है, एक यूनिवेलेंट आयन तो आयन होता है, एक ट्राईवेलेंट आयन होता है, और एक एन आयन होता है, ठीक है। यूनिवेलेंट आयन हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही लॉस करते हैं, उनके पास +1 का चार्ज होता है, और ग्रुप 3 एलिमेंट्स के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो 3 को लॉस कर सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर +3 का चार्ज होता है, और हमारे पास हाइड्रोजन का हाइड्राइड फॉर्म में, उसके ऊपर -1 का चार्ज है, ठीक है। तो फार्मूले में भी हमारे पास जो फर्स्ट है तो +1 के को यूनिवेलेंट, यूनि मतलब 1 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट को यूनिवेलेंट कहा गया है, ए हमारे पास क्या यूनिवेलेंट एलिमेंट है, बी ट्राईवेलेंट एलिमेंट है, और हाइड्रोजन हाइड्राइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया केमिकल फार्मूला। अब अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो जब भी हमारे पास केमिकल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा H2 गैस को लिबरेट करते हैं, ठीक है। सेम जिस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारे पास इनके पास थी कोवेलेंट हाइड्राइड में थी, वैसे हमारे पास ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में भी मौजूद होती है, कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या करते हैं, जब भी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा H2 गैस को लिबरेट करते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकली हम एग्जांपल देख लेते हैं, तो देखो हमने जो यहाँ NaAlH4 बनाया था इसी को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है NaAlH4, इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हम खोल कर देखते हैं ताकि हमें बॉन्डिंग क्लियर हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है -1 प्लस, यहाँ पर भी माइनस, +3 और ये +1, तो OH क्या करेगा NaOH से Na के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड,
इसके अलावा एल्यूमिनियम के क्या करेगा, ओएच हाइड्रेशन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ओएच आर थ्री एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमारे पास क्या होगा, एच टू गैस की लिब्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास बैलेंस किस तरह से होगा। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, दो, यहाँ पे क्या है तीन, तो तीन और दो पाँच और एक छः, उनसे अगर हम यहाँ पे दो लगा देते हैं तो टोटल फोर, चार और तीन सात, सात और एक आठ, टोटल आठ हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं चार, तो हमारे पास, और इसको हम अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देते हैं एच टू के फॉर्म में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फोर, तो फोर टू ज़ा एट, तो यहाँ पे कितने हो गए आठ मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ पे भी देखें टोटल ज़ा फोर, चार और तीन सात, सात और एक आठ, ठीक है, तो आठ आठ मॉलिक्यूल्स कम्प्लीट हो गए। तो इस तरह से हमारे पास देखो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या करते हैं, जब भी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, एच टू गैस को लिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इस सूरत में हमारे पास दो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, एक हमारे पास अल्कली मेटल्स की तरफ से बन जाता है, दूसरा ट्राइवेलेंट आयन यानी हमारे पास ग्रुप थर्ड एलिमेंट की तरफ से बन जाता है। क्लियर है, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलर होती हैं आयनिक हाइड्राइड्स की तरह। तो वही पहली बात क्या थी कि वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, सेकंड बात, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो हमने जैसे हमें तीन पॉइंट्स क्लियर किए हैं, तीन पॉइंट्स स्टडी किए हैं, होप्स होगा वो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इट्सेल्फ किस तरह से बनते हैं, जब भी ग्रुप थर्ड एलिमेंट का रिएक्शन होता है अल्कली मेटल के साथ तो वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में तीनों बॉन्डिंग पाई जाती हैं, आयोनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप जो कि हमारे पास है मेटेलिक हाइड्राइड्स। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेटेलिक हाइड्राइड्स। मेटेलिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, तो जिस तरह से हम लोगों ने, अगर आप हमने हमें वो कॉन्सेप्ट याद हो जिस तरह से हम लोगों ने मेटेलिक बॉन्डिंग वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लास नाइन में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो अगर हमें वो कॉन्सेप्ट जहन में है तो हमें ये टॉपिक समझ में, ये वाले टाइप समझ में आ जाएगी आसानी के साथ। सबसे पहले मेटेलिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स किस तरह से बनते हैं, तो मेटेलिक हाइड्राइड्स किस तरह से बनते हैं, देखो पहले हम लोगों ने आयनिक हाइड्राइड्स पढ़े, तो आयनिक हाइड्राइड्स वो होते हैं जो ऐसे ऐसे एस ग्रुप ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं। फिर कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जो बी ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं एक्सेप्ट नोबल केसेस। और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स पढ़े, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स किस तरह से बनते हैं, जब हम ग्रुप थर्ड ए के कोवेलेंट हाइड्राइड्स को आयनिक हाइड्राइड्स ग्रुप वन ए के आयनिक हाइड्राइड के साथ कंबाइन करते हैं तो उनका रिएक्शन होता है, तो क्या बनते हैं, वो बनते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अब ये तीनों तरह के जो हाइड्राइड्स हैं ना वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेटेलिक हाइड्राइड्स की बात करें तो मेटेलिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये फिजिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, पहली बात, पहला पॉइंट क्या है, मेटेलिक हाइड्राइड्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स कैसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं बनते, ये किस तरह से बनते हैं, ये फिजिकल रिएक्शन से बनते हैं। अब फिजिकल रिएक्शन से किस तरह से बनते हैं, कौन से वाले एलिमेंट से बनते हैं, तो हमारे पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो हमने चैप्टर नंबर वन में बहुत डिटेल के साथ हमने पीरियोडिक टेबल स्टडी किया था। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे ग्रुप वन है और ग्रुप टू है, फिर थ्री से लेकर एट ग्रुप तक कौन से होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, और जो सेंटर में प्लेस्ड होते हैं एलिमेंट्स जिन्हें हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो यानी जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाते हैं, जब भी हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास हाइड्राइड्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स, और ये किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं बनते, फिजिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई केमिकल इक्वेशन नहीं आएगी। बनते हैं, अब वो किस तरह से बनते हैं, तो देखिए हमारे पास जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उन सब में क्या होता है, एटॉमिक साइज बड़ा होता है। ठीक है, सबका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, तो उनके पास शेल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स की तादाद भी ज़्यादा होती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो शेल्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, मिनिमम जो हमारे पास जो मिनिमम जो कम साइज़ होता है, जो कम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, वो टाइटेनियम एलिमेंट के पास होते हैं। ठीक है, टाइटेनियम मेटल के पास होते हैं चार, तो उनके एटॉमिक साइज बड़े हुए, उनके तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटॉमिक साइज बड़े, एटॉमिक साइज ज़्यादा होते हैं, तो उनके शेल्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, छः सात आठ नौ इस तरह से होते हैं। तो अगर हम सिंपल सी मिसाल लेते हैं, अगर हम मेटेलिक हाइड्राइड को समझने के लिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस तरह से कम मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ फिजिकल रिएक्शन करके, तो हम उनको समझना चाहते हैं तो किस तरह समझेंगे, तो देखो अगर हम एक छोटे ट्रांजिशन एलिमेंट में उस एटम की एग्जांपल लेते हैं जिसके पास कम शेल्स हैं, यानी एक टाइटेनियम की मिसाल लेते हैं जिनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो हमने मिसाल के तौर पर टाइटेनियम एटम लिया है। ठीक है, ये सारे टाइटेनियम के एटम हैं।
तो टाइटेनियम के पास क्या होते हैं, टाइटेनियम का जो एटम है हम उसके पास क्या होते हैं, टोटल चार शेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने उसके एटम बना दिए। देखो मैंने आपको स्टार्ट में यही बताया कि मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है, इंटरस्टीशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, और इसके अलावा इनको नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। अब इनका भी रीज़न है, जिस तरह से हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स का रीज़न था ना कि आयनिक हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड क्यों बोलते हैं, फिर सलाइन क्यों बोलते हैं, ट्रू हाइड्राइड, तो तीनों बातों का रीज़न था। बिल्कुल इस तरह से मेटेलिक हाइड्राइड को भी इंटरस्टीशियल हाइड्राइड भी कहते हैं और नॉन स्टोमेटिक हाइड्राइड भी कहते हैं, और तीनों का रीज़न है कि क्यों कहते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, इंटरस्टीशियल वाला। तो देखो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उन सबका साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे एक सिंपल जो एटम लिया है टाइटेनियम, जिसमें बस तकरीबन चार शेल्स होते हैं, ठीक है। हमने टाइटेनियम के तकरीबन नौ एटम्स बना दिए यहाँ पे, ठीक है। तो टाइटेनियम के हमने नौ एटम्स बना दिए। अब जब ये नौ एटम्स अब हम इनको इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं ना, तो देखो हर एटम जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है तो हर एटम के बीच में गैप मौजूद है, ठीक है। इसी गैप को बेसिकली क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेस, जो एटम्स के बीच में मौजूद होती हैं, ठीक है। ठीके? तो देखो यहाँ पे नौ एटम्स बने हुए हैं, तो तमाम जो नौ एटम्स यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं तो इनके दरमियान जो गैप्स हैं, जो स्पेसेस हैं, वो क्या कहलाती हैं, इंटरस्टीशियल स्पेस, या इनको वॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। कॉमनली हम इंटरस्टीशियल स्पेस नाम सुनते हैं कि मेटल्स के जो मेटल्स के एटम्स के बीच जो स्पेसेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं इंटरस्टीशियल स्पेसेस। अब होता क्या है, जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है ना, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, जैसे मैंने आपको पहले जो यहाँ इस पॉइंट को समझने के लिए ना आपको एटॉमिक साइज़ की बात जहन में रखनी है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें क्या होता है, एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। और जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक साइज़ क्या होता है, तकरीबन छोटा छोटा है, अप टू डाउन एटॉमिक साइज़ बढ़ता है ना। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ श्रिंक हो रहा होता है। तो लेकिन ये वाले क्या है, ये बीच में आते तो इनमें एटॉमिक साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। इनमें भी एटॉमिक साइज़ क्या होता है, कुछ कुछ एटम्स का लेफ्ट टू राइट क्या होता है, श्रिंक होता है ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। खैर अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो क्या होता है, सबका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है, सबके पास नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इनके एटॉमिक साइज़ इनका ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर हम इनके एटम्स लेते हैं, ठीक है, तो इनके एटम्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और अगर हम बाकी एटम्स की बात करें, अगर अभी फिलहाल हमारा टॉपिक हाइड्रोजन है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है, उसका साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन मेटल। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो जब उसको इनके ऊपर जो है वो इसका इनके जब हाइड्रोजन गैस को इसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि एटॉमिक साइज़ छोटा होता है, इसका एटम छोटा होता है, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो इनके एटम्स के बीच जो इंटरस्टीशियल स्पेसेस होती है वहाँ जाकर, वहाँ एंटर हो जाता है, वहाँ जाकर एड्जॉर्ब हो जाता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर दो फिनोमिनास पढ़े होंगे, एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन और एक कहलाता है एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज्ब होना, कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे, कम्प्लीटली तौर पे किसी चीज़, किसी दूसरी चीज़ के अंदर मुकम्मल तौर पे चली गई है, प्रॉपर हर तरह से चली गई है, तो वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन। लेकिन एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन में किसी भी चीज़ को अगर आप डाल रहे हो ना किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, तो वो जस्ट सरफेस के ऊपर जाके एब्जॉर्ब होती है, वो कम्प्लीटली पेनिट्रेट नहीं करती इन साइड तक। तो जो चीज़ सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रहे, ऊपर ही सरफेस के ऊपर ही जज्ब हो, सिर्फ सरफेस पर ही हो, तो वो कहलाती है एड्जॉर्प्शन। लेकिन जो चीज़ अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए फिर वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन, यानी जज्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि जब हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ पे, उसके इंटरस्टीशियल स्पेसिस के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज छोटा होता है। तो एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है कि इजीली हाइड्रोजन गैस पेनिट्रेट हो जाती है किसके ऊपर, ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर, और इस तरह से हमारे पास क्या बनते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स बनते हैं ड्यू टू फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसीलिए इनको इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स कहते हैं, क्योंकि इनके इंटरस्टीशियल स्पेसिस की वजह से क्या बनता है, मेटेलिक हाइड्राइड्स बनते हैं, ओके। अब इसमें जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स, इनको क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर वन में जो फर्स्ट केमिस्ट्री है उसमें हम लोगों ने ये बात, पूरा चैप्टर है हमारे पास स्टोइकोमेट्री का, हमने ये सीखा था कि स्टोइकोमेट्री किसको कहते हैं, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि स्टोइकोमेट्री किसको बोलते हैं, जहाँ पर बैलेंसिंग होती है, ठीक है। यानी अगर हम सिंपल सी मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, तो यानी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन में हमारे पास कोई एग्जैक्ट रेशो नहीं होता, कभी हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा बन जाती है, कभी कोई चीज़ कम बन जाती है। जैसे हम मिसाल के तौर पर घरों में जो काम करते हैं, ठीक है, कुकिंग वगैरह के लिहाज से, तो हमारा एक प्रॉपर, हम यहाँ पे टेस्ट के लिहाज से हर चीज़ को डाल देते, तो कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई अप्रोक्सीमेटली हिसाब किताब नहीं होता कि इतने ग्राम ही डालनी है, इतने ग्राम ही डालनी है, हमारा एक प्रॉपर ये होता है कि इतना सा डाल दे तो मीठा हो जाएगा, इतना सा डाल दे तो सॉल्टी हो जाएगा, इस तरह से होता है।
तो ये तमाम फिजिकल बैलेंस कहलाता है। तो इसमें हमारे पास स्टोइकोमेट्री नहीं, यानी एक एक्चुअल कंपोजिशन नहीं है। तो जहाँ पे एक्चुअल कंपोजिशन नहीं होती है तो उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो हमारे पास जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, कभी हमारे पास मेटेलिक हाइड्राइड्स हमें जो है वो जीरो जीरो की स्ट्रेंथ में मिल रहे होते हैं, 0%, कभी हमें 1% में मिल रहे होते हैं, कभी हमें 2% में मिल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्री नहीं होती है, तो इसीलिए हमारे पास इसको क्या कहते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स को नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस की वजह से, आप ट्रांजिशन मेटल की वजह से जो मेटेलिक हाइड्राइड्स बनते हैं, तो उनमें हमें उन दोनों की फिक्स कंपोजिशन ना होने की वजह से क्या होती है, हमें जो है वो इनकी जो क्वांटिटी है वो हर बार चेंज मिल रही होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो अब मैं आपको यहाँ पे यही बात एक और एग्जांपल से भी समझा देती हूँ, H2S की, ठीक है। जो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि 2 ग्राम और 32 ग्राम सल्फाइड रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, 34 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब अगर आप इसकी तादाद को डबल भी कर देते हो ना, 64 ग्राम कर देगो, तो हमारे पास एक एग्जैक्ट रेशो है, 2 ग्राम और 32 ग्राम का रिएक्शन होगा जब आपको 34 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगी। अब अगर आप सल्फर की तादाद को बढ़ा भी देते हो, डबल भी कर देते हो ना, तब भी आपके पास जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है उसी पे रिएक्शन होगा, जो एक्स्ट्रा है वो बच जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टोइकोमेट्री के चैप्टर में समझा है, ठीक है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास तादाद फिक्स नहीं होती, क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटेलिक हाइड्राइड्स के 2 नाम क्यों हैं, एक मेटल्स की इंटरस्टिशियल स्पेसेस की वजह से, कि जो मेटल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं और जो गैप्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहलाती हैं। और कोई भी दूसरी गैस, कोई भी दूसरी गैस जो हम उसके ऊपर एड्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, वो उनकी स्पेसेस के दरमियान जाके एड्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट मिल जाता है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसी तरह से हम लोग मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स की इंटरस्टिशियल स्पेसेस के थ्रू हमें क्या मिलते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स मिलते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको इंटरस्ट स्टेशन हाइड्राइड्स भी कहते हैं और नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है, वो है यूजेज ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स, कि मेटेलिक हाइड्राइड्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वाइडली, जो अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट का आपको पता होगा, कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, कैटलिस्ट इस तरह के केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप और स्लो डाउन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट में ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर प्लाटिनियम इस्तेमाल होता है मोस्टली, ठीक है। मेरिडियम पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल हुआ था कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा निकल यूज़ होता है ज़्यादा, जिंक ऑक्साइड यूज़ होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर चंद एक मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन कैटलिस्ट में देखें, तो देखो कैटलिस्ट में, हर कैटलिस्ट में आपको वो ट्रांजिशन मेटल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो ट्रांजिशन मेटल्स को ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, क्यों, कैटलिस्ट की तो बात हमें पता है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब वो स्पीड अप और स्लो डाउन करने के लिए जो हमारे पास कैटलिस्ट में एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों यूज़ होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो मेथड होता है, बेसिकली फिनोमिना होता है, वो ये होता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन की थी इंटरस्टिशियल स्पेसिस के हवाले से, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर, जो ट्रांकिस जो मेटल्स में जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस होती है ना, वहाँ पर एंट्री करने के लिए उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एंटर तो होती है, लेकिन जब इनको मेटल्स को लीव करती हैं तो ये एटॉमिक फॉर्म में लीव करती हैं, ठीक है। जब हम किसी भी गैस को ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर एड्सॉर्ब करवाते हैं ना, तो एड्सॉर्प्शन के बाद जो है वो गैस जब रिलीज़ हो रही होती है ना, तो वो अपने मॉलिकुलर फॉर्म के बजाय एटॉमिक फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ये बात, इसी चैप्टर में हमने स्टार्ट में ये बात सीखी थी कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉलिकुलर हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन की वजह से ही बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। तो बेसिकली अंदर ये फिनोमिना हो रहा होता है जिसकी वजह से रिएक्शन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, सही है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को या स्लो डाउन कर देते हैं। तो बेसिकली ये फिनोमिना हो रहा होता है कि जो भी हम गैस एड्सॉर्ब करवाते हैं मेटल्स में, वो क्या होती है, वो जब सिस्टम से लीव होती है तो वो एटॉमिक फॉर्म में लीव होती है, और एटॉमिक हाइड्रोजन जो आपका होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू मॉलिकुलर हाइड्रोजन। तो जब भी हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स को एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारे कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप या स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको कंप्लीट मेटेलिक हाइड्राइड भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।